Maserati MC12, इसको मैंने ऑलमोस्ट 1 महीना यूज किया है। और चलिए मैं आप इसको मुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी और क्या क्या चीजें बुरी लगी चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डिजाइन काफी ज्यादा रेस कार की तरह है। यहाँ पे एक स्पॉइलर है। एक्चुअली इसको अगर आप ज्यादा दूर से अगर इसके ऊपर हाथ मारेंगे तो इससे आपके हाथ में कट या फिर लग सकती है। और इसमें इंटीरियर में काफी ज्यादा डिटेलिंग दी हुई है। और इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा इसमें करने की, जैसे मिरर बार बार हिलाना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो धीरे धीरे आपका इसका मिरर का पेंट निकलना शुरू हो जाएगा। इसके वाइपर को भी मैं ज़्यादा हिलाना नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एक तो विंडशील्ड पे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, प्लस वाइपर की इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है कि वो टूट सकता है। इसके अंदर एरोडायनामिक्स के लिए 4 होल्स दिए हुए हैं। और अगर ये एक्चुअली वर्किंग है, अगर आप सनलाइट में या फिर ब्राइट रोशनी में अगर इसको देखें तो आपको टायर्स दिखेंगे। और मुझे इसमें एक चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इसमें पुल बैक नहीं है। जी हाँ, नहीं है। मैं अगर व्हील को रोटेट करूं तो पुल बैक नहीं आएगा, जैसे बाकी गाड़ियों में होता है पुल बैक। मैं उस रोल्स रॉयस में भी था जिसका मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी पुल बैक था, पर वो इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा था, पर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है पुलबैक। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मेटल नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। लेकिन इसके जो ये वाइपर्स वगैरह हैं, ORVMs हैं, स्पॉयलर्स हैं, इनकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी ज़्यादा पुश लग जाता है तो ये टूट जाएंगे। ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। ऑरेंज कलर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्राइप्स दी हुई है स्पोर्टी लुक के लिए। और इसमें जो स्पॉइलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये भी हिलता है काफ़ी ज़्यादा अगर आप इसको जोर से दबाएंगे। मैं ये छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक अगर उससे ज़्यादा जोर लग गया तो ये टूट सकते हैं इसके पार्ट्स। और प्लस इसका जो स्पॉइलर है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, और अगर आप किसी डाइकास्ट कलेक्टर को देना चाहते हैं उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।